देश में चुनाव को लेकर हुई बड़ी हिंसा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही शुरू हुई हिंसा और इस मुद्दे पर सियासत लगातार तेज हो रही है। सरकारी आंकड़ों के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई और कम से कम 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई दर्जन लोग घायल भी हो चुके हैं। लगातार तेज होती हिंसा को ध्यान में रखते हुए भाजपा और कांग्रेस और जैसे विपक्षी दलों की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया है, लेकिन राज्य सरकार और चुनाव आयोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रहे हैं। बता दें कि राज्य पुलिस की मौजूदगी में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने करीब 34% सीट निर्विरोध जीत ली थी। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि उसके उम्मीदवारों के नामांकन को ही दाखिल नहीं कराया दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस साल भी वही इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन वापस लेने वालों के लिए इसकी समूचित ठोस वजह बताना अनिवार्य बता दिया है। बता दें कि जिस तरीके से यह हिंसा हो रहे हैं उसको लेकर पूरे देश में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं और ये जहाँ देखो तहाँ चुनाव का मुद्दा उठ रहा है और हिंसा जैसे लोग भड़क रहे हैं, चारों तरफ से हिंसा ही नजर आ रही है। तो अभी पूरी तरीके से उबट गई है वो भी कोलकाता में। तो देखने वाली बात है कि जिस तरीके से बंगाल में ये सारे चीज देखने को मिल रहे हैं उसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला बना लिया है कि आगे क्या करना है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।